खबर टपुकड़ा से। टपुकड़ा में AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी का जयपुर से दिल्ली जाते समय नवाब की ढाणी टपुकड़ा में भव्य स्वागत किया गया। ओवैसी मंगलवार को राजधानी जयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान यहां पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM राजस्थान के सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज यहां पर हम लोग 6 सदस्यों की एक कोर कमेटी का ऐलान कर रहे हैं। वहीं जुलाई के अंत तक पार्टी की पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज युवाओं के बीच AIMIM को लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, इसलिए हम AIMIM को महज अल्पसंख्यकों की सीट तक पार्टी तक ही सीमित नहीं रखें। कमेटी बनाए हैं और 6 लोगों की कमेटी बनाए हैं। जमील खान साहब कन्वीनर हैं, जुलाई के एंड तक वो संगठन पर काम करेंगे। हम भी आते जाते रहेंगे और पूरी कोशिश ये है कि आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छी तरह तैयारी करके चुनाव में। सर कितनी सीटों पर उतारने का? अभी जल्दी है, बहुत सुबह। थैंक यू। क्या कर रहा है? सदस्य है वो 6 का नियुक्त है, 6 का अभी अपना 6 कार्यकारी सदस्य है वो 6 है। बाकी राजस्थान में अब 1 महीने के बाद अपना पूरा सारा जो है पूरे राजस्थान में सही तरीके से पार्टी पूरी सेट होगी और पूरे मुकम्मल तरीके से मजबूती से लड़ेगी। ये उम्मीद लेकर रहेगा, ये इच्छा लेकर आए हैं सदस्य साहब। और असुद्दीन ओवैसी का लोगों ने बहुत प्यार बहुत वजूम, यहाँ भी मैंने देखा है कि कई हजारों में आदमी थे, माशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और उनको बाकी अल्लाह के हाथ में कामयाबी, और इंशाल्लाह कामयाबी के लिए ही आते हैं और कामयाबी मिलेगी। तो अभी क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? अभी जिम्मेदारी कुछ नहीं, कोर कमेटी के 6 सदस्य बने, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमको पार्टी को मजबूत करना है। तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, कितनी सीटों पर पार्टी? आने वाले समय में सीट का अभी ऐसा कुछ नहीं है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो पार्टी बैठ के अपना जब पूरा सेटअप हो जाएगा, पूरी मजबूत हो जाएगी तो बताएंगे, जल्दी बहुत जल्दी बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे।